हेलो एवरीवन, आपके अपने सेफ्टीज लाइव चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले सेफ्टी नेट के बारे में। तो सेफ्टी नेट यानी एग्जैक्टली क्या होता है उसके बारे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं। जो नेट हाई राइज बिल्डिंग और किसी हाई राइज कंस्ट्रक्शन में वर्कर्स और लूज मटेरियल्स को फॉल फ्रॉम हाइट से सेफ्टी प्रोवाइड करता है उसी को सेफ्टी नेट कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं सेफ्टी नेट क्यों यूज किया जाता है। यदि कोई वर्कर 1.8 मीटर और उससे ज़्यादा हाइट पे यदि वहाँ पर जॉब कर रहा है और उसने फुल बॉडी सेफ्टी हरनेस भी वेयर किया है और उस समय यानी कि फॉलिंग के समय वो फुल बॉडी सेफ्टी हरनेस अगर फेल हो गया तो वहाँ से गिरने का चांसेस ज़्यादातर होता है। तो एक सेकेंड सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए सेफ्टी नेट वहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है। देन सेकेंड, यदि हाई राइज बिल्डिंग पे कभी कुछ जॉब हो रहा है और वहाँ से लूज मटेरियल्स और टूल्स वगैरह भी ज़्यादातर गिरने के चांसेस होते हैं, तो यदि सेफ्टी नेट वहाँ पर इंस्टॉल होगा तो वो लूज मटेरियल सेफ्टी नेट में स्टक हो जाता है और फिर नीचे काम करने वाले जितने भी लेबर्स हैं उनकी जान वहाँ पर बच सकती है। तो इसीलिए भी सेफ्टी नेट वहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है। तो अभी हम देखेंगे सेफ्टी नेट के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट है HDPE सेफ्टी नेट यानी हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन सेफ्टी नेट, एंड देन सेकेंड मेटल सेफ्टी नेट। तो अभी हम देखते हैं HDPE सेफ्टी नेट यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन सेफ्टी नेट कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो ये यूज़ किया जाता है जहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा हो। देन सेकेंड, वो वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर स्कैफोल्डिंग का इरेक्शन हुआ हो, यानी कि स्कैफोल्डिंग को प्रॉपर तरीके से कवरिंग करने के लिए भी HDPE सेफ्टी नेट का यूज़ किया जाता है। देन थर्ड, अगर कोई हाई राइज बिल्डिंग का काम हो रहा है तो वहाँ पर वर्करों के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी HDPE सेफ्टी नेट का भी यूज़ किया जाता है। देन आते हैं मेटल सेफ्टी नेट के बारे में। तो मेटल सेफ्टी नेट एक्सकेवेशन में यानी कि एक्सकेवेशन के समय वहाँ पर यूज़ किया जाता है ताकि लूज सॉइल लूज स्टोन वहाँ पर कोलैप्स ना हो, इसीलिए वहाँ पर मेटल सेफ्टी नेट यूज़ किया जाता है। तो अभी हम देखेंगे सेफ्टी नेट के साइज़ के बारे में, साथ ही साथ सेफ्टी नेट के मेश साइज़ के बारे में और उसके मेश रोप के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम जो साइज़ लेने वाले हैं वो साइज़ है 10 मीटर बाय 5 मीटर। तो उसकी मेश साइज़ जो है वो है 100 mm और मेश रोप जो है 4 mm। देन सेकेंड टाइप जो है वो 6 मीटर बाय 4 मीटर, तो उसकी मेश साइज़ जो है वो है 25 mm और मेश रोप जो है 2 mm। तो अभी आपके मन में सवाल आया होगा कि एग्जैक्टली मेश यानी क्या होता है। तो मेश यानी जो HDPE सेफ्टी नेट में जो ग्रीन कलर के जो ग्रीन कलर में जो नेट आता है तो उसी को मेश कहते हैं, जो कि ये मेश स्क्वायर और डायमंड पैटर्न में आपको दिखाई देगा। तो अभी हम देखेंगे सेफ्टी नेट कैसे और कहां पर एग्जैक्टली इंस्टॉल करना है। तो सेफ्टी नेट एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को टाई रोप और कैरेबिनर के मदद से आपको इंस्टॉल करना है। तो अभी सेफ्टी नेट को इंस्टॉल करते वक्त आपको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दो सेफ्टी नेट के बीच में आपको 6 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन रखना है। अगर आप 6 मीटर के बिलो यानी कि 5 मीटर या 4 मीटर रखोगे तो इट्स ओके, पर 6 मीटर से ज़्यादा आपको वो डिस्टेंस रखना नहीं है। देन सेकेंड, अगर कोई आपके वर्कर वर्किंग प्लेटफॉर्म और एज ऑफ प्लेटफॉर्म के यहाँ पर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर ऊपर से यानी कि ऊपर से नीचे गिरने का चांसेस ज़्यादातर होता है। तो आपका जो कैचिंग विड्थ है यानी कि एज ऑफ कॉर्नर से लेके सेफ्टी नेट का जो एंड पोर्शन है उसका मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर to 3.5 मीटर उतना रहना चाहिए। देन थर्ड, ईच एंकर पॉइंट यानी कि जहाँ पर आप एंकरिंग करोगे सेफ्टी नेट को वहाँ पर का जो मतलब जो लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो होता है 6 kN इतना, और लोड एंगल जो है वो 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल में आपको बराबर से रखना है। तो अभी हम देखेंगे जो सेफ्टी नेट आपने इंस्टॉल किया है उसका लोड कैपेसिटी आप कैसे चेक करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसके लिए एक सीमेंट बैग और सैंड बैग लेना ज़रूरी है। देन सेकेंड, आपको वो जो बैग है वो 181 kg यानी कि 400 pounds तक फिलअप करना है, और वो 400 pounds का बैग आपको सेफ्टी नेट पे एक ड्रॉप करना है, और वो भी प्रॉपर एक मेंटेन डिस्टेंस रख के आपको वो सेफ्टी नेट पे ड्रॉप करना है। अगर वो 400 pounds का बैग अगर आपके सेफ्टी नेट ने प्रॉपर तरीके से कैपेबल कर लिया
तो वो एक कैपेसिटी उसकी हम ओके कह सकते हैं। पर अगर उसने यानी कि सेफ्टी नेट ने वो वज़न जो है यानी कि 400 पाउंड जो वज़न है वो वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि वो सेफ्टी नेट डैमेज हो गई उस चेकिंग के दौरान, तो वहाँ पर वो सेफ्टी नेट अगेन आपको इंस्टॉल करनी है और वो पुरानी सेफ्टी नेट आपको रिजेक्ट करनी है। तो आज हमने इस वीडियो में सेफ्टी नेट के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन ली है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।